फ्रेंड्स, तो आज हम लोग सीखेंगे क्यूब की सेकंड लेयर सॉल्व करना। फर्स्ट लेयर हम लोग पहले ही सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो मैं वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप उसे देख सकते हैं। तो हम लोग चलते हैं सेकंड लेयर सॉल्व करने। ठीक है, ये भी ठीक है वैसे। हाँ, तो उसके लिए हम लोगों को मेन बात ये ध्यान में रखना होता है कि हम लोगों को नीचे वाला जो भी कलर है उसको क्या देखना पड़ता है कि वो किसी भी कॉर्नर पीस में ना आए। मतलब कि अगर हम लोगों को इनको फिल करना है ना, ये जो कॉर्नर के पीसेस दिख रहे हैं इनको फिल करना है, तो इनको फिल करने के लिए हम लोग को क्या ध्यान में देना है कि पीला कलर जिस भी बीच वाले पोर्शन पे है उसको हम लोगों को नहीं लेना है, और जिस पे नहीं है उसको लेना है, उसको देखना है हम लोगों को। और ये वाले कहाँ होंगे, यहाँ फिल हो जाएंगे आके इन वाले पोर्शन को। तो हमारा ये कौन सा दिख रहा है, ऑरेंज है एंड ब्लू है, तो ऑरेंज एंड ब्लू के पास जाना है। इसको हम लोग कहाँ ऑरेंज से मैच करना है, ये वाला ऑरेंज है तो इसके इस वाले ऑरेंज से मैच करना है। तो ऑरेंज कहाँ आ गया हमारा, ये आ गया। हाँ, हम लोगों को क्या दिख गया है कि ये ऑरेंज इससे मैच कर गया। इसके नीचे क्या है, ब्लू वाला है। क्या इसके नीचे ब्लू वाला, इसके ब्लू या तो इस साइड होगा या फिर इस साइड होगा, और कहीं नहीं जाएगा, इसके अगल बगल ही होना चाहिए, ठीक है ना। तो हाँ, हमें क्या दिख गया, जो इसके पास में ही ब्लू है इस साइड, क्या है इस साइड ब्लू दिख रहा है, और हमारा ये है। हम लोग को क्या करना है उसके बाद, जिधर साइड ब्लू है उसके अपोजिट साइड इसको क्या करना है, एक बार ऐसे टर्न करना है। एक बार टर्न करने के बाद क्या करते हैं हम लोग, इसको क्या करना है नीचे करना है, ठीक है ना। इसको नीचे करेंगे, उसके बाद कहाँ जाएंगे, इसको बैक करेंगे और फिर इसको ऊपर उठा देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, इसको हम लोग को फिर दोबारा सही करना है। उसके करने के लिए क्यूब को ऐसा टेढ़ा करेंगे, उसके बाद कहाँ जाएंगे, एक बार ऐसा टर्न, कहाँ एक बार क्या कैसा करना है, एक बार ऐसा इधर साइड ट्रेंड करना है, फिर ऊपर करना है, फिर इसको दोबारा से मैच कर देना, और फिर ये हमारा क्या हो जाएगा, देखो ये वाला पोर्शन अभी खाली था यहाँ पर, अब वो दोबारा से फिल हो चुका है। अब फिर हम लोग को यही काम करना है। फिर हम लोग क्या देखेंगे, हम लोगों का पीला वाला नहीं आना चाहिए, और कोई सा दूसरा कलर मिल जाए। तो हमें क्या दिख रहा है, लाल दिख रहा है, लाल एंड ब्लू, ठीक है ना, रेड एंड ब्लू है। तो इसके या तो इधर साइड ब्लू होगा या इधर ब्लू होगा, तो इधर ब्लू दिख रहा है, तो इसके अपोजिट साइड एक बार टर्न करना है, इसको नीचे करना है, इसको फिर दोबारा से कर देना है, और फिर इसको क्या कर देंगे, वापस कर देंगे। वापस करने के बाद कहाँ जाते हैं हम लोग, उल्टे हो जाते हैं। उल्टे होने के बाद क्या करेंगे, इसको फिल करना है, तो इसको फिल करने के लिए एक बार इधर टर्न एंड ये फिल दोबारा से हो जाएगा। ये वाला भी पोर्शन हमारा फिल हो चुका है। उसके बाद फिर देखना है दूसरी कोई। हाँ, अब मुझे कौन सी दिख रही है इसमें, ग्रीन एंड ऑरेंज वाली, तो इसको हम लोगों को किससे मैच करना है, ग्रीन वाले से मैच करना है। ग्रीन कहाँ है, ग्रीन वाली मिल गई। इसके बगल में क्या होगा, ऑरेंज या तो इधर या इधर, इधर दिख गया है, तो इसके अपोजिट साइड एक बार टर्न किया, अपोजिट साइड टर्न के बनने के बाद इसको एक बार नीचे किया और उसको फिर दोबारा से मैच कर दिया इधर, और फिर इसको ऊपर कर देते हैं। ऊपर करने के बाद क्या करेंगे, उल्टे हो जाएंगे। उल्टे करने के बाद इसको मैच करेंगे, इसको फिल करना है, तो इसको फिल करने के लिए एक बार इधर टर्न, इसको ऊपर, एंड देन इसको भी इससे मैच कर देंगे और इसको वापस कर देंगे। तो ये देखो ये वाला फिर हमारा दोबारा फेल हो चुका है। अब हमारा लास्ट एक लास्ट कॉर्नर बचा हुआ है, एंड देन हमारी जो सेकंड लेयर होगी वो पूरी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसको मैच करने के लिए हम लोगों को कहाँ देखना है, अब मुझे नीचे देखना है, नीचे मेरा पीला किस किस के पास, बीच वाले कॉर्नर जो यहाँ के पेजेस हैं, एजेस वाले, ये बीच वाले हैं, मिडिल वाले हैं, इनके में पीला पीला तो नहीं आ रहा किसी के पास। इस पर भी पीला आ रहा है, इधर भी पीला आ रहा है, इधर भी पीला आ रहा है, और इधर भी पीला आ रहा है, तो मेरा अब ये काम नहीं चलेगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ दूसरा इसमें लगाना पड़ेगा। तो मेरा एक कॉर्नर पीस बचा हुआ है, तो इसको मुझे हटाना पड़ेगा इसको चेंज करने के लिए। तो इसको मैं कैसे करूँगा, इसको यहाँ पर लेके आएंगे कैसे भी करके, ठीक है। तो उसको क्या करेंगे, एक बार मुझे इधर टर्न करना है, ठीक है, एक बार फिर इधर घुमा देना है, उसको एक बार फिर वापस कर देंगे, ठीक है। अब फिर मैं इसको जैसे फिल करते थे उसी तरीके से फिर दोबारा इसको फिल कर देंगे, एक बार इधर टर्न किया, इधर किया, एंड देन फिर वापस, और फिर इसको वापस भेज दिया। जैसे ही वापस भेजेंगे तो हमारा ये भी आ जाएगा, और एक मुझे इधर खाली भी मिल जाएगा जिसके पास पीला नहीं होगा। हाँ देखो, ये मुझे मिल गया ब्लू, रेड एंड ग्रीन, रेड एंड ग्रीन वाला मिला, तो उसको उस फिर क्या जाएंगे, इसको ग्रीन से मैच करेंगे। ग्रीन के पास आते हैं, आ गए ग्रीन के पास, नीचे क्या दिख रहा है, रेड, तो रेड या तो इधर होगा या इधर होगा, इधर दिख रहा है हम लोगों को, तो उसके अपोजिट साइड एक बार मूव करेंगे, इसको नीचे करेंगे, एंड देन फिर उसको वापस ले आएंगे उसी जगह, ठीक है। ले आने के बाद क्या करते हैं, इसको ऊपर ले आ जाते हैं। अब मुझे इसको फिर दोबारा से फिल करना है, तो मैं क्या करूँगा, उल्टा हो जाऊँगा, इसको एक बार इधर टर्न करूँगा, एंड देन इसको वापस, और फिर दोबारा से घुमा के ये मेरा वापस उसी जगह। देखेंगे आप लोग कि अब हमारी पूरी जो सेकेंड लेयर थी वो भी क्या हो चुकी है,
सॉल्व हो चुकी है, दिख रही है ना। क्या यहाँ पर सारे ऑरेंज हो गए हैं दो लेयर, उसमें इधर ग्रीन, इधर रेड एंड इधर ब्लू। तो हम लोग क्या सीख गए हैं, हम लोग सेकेंड लेयर क्यूब की सॉल्व करना सीख चुके हैं। अब केवल हमारी कौन सी लेयर ले जाती है, लास्ट लेयर, जो भी क्या होती है वो भी बहुत ही सिंपल है, इजी तरीके से क्या उसको भी सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है ना। तो हम लोग आज कौन सी लेयर को सॉल्व करना सीख गए, सेकेंड लेयर सॉल्व करना सीख चुके हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब तो करना ही है, और घंटी को बजा देना भाई, नहीं तो गुस्सा हो जाएंगे हम लोग फिर, ठीक है। तो घंटी बजाना ज़रूरी है, कंपलसरी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, ये भी ठीक है।